Hello everyone, how are you all? Hope you are good. So today I'm back with the another experiment. It is Engelmann experiment. राइट लास्ट क्लास में हम दो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात कर चुके थे, वॉर्नेल एक्सपेरिमेंट एंड दी मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में. सो आज हम बात करेंगे एंगेलमैन एक्सपेरिमेंट को लेकर. सो लास्ट क्लास में हम देख चुके थे व्हाट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड द अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. कौन से फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और वो किस मॉलिक्यूल की वजह से होती है, इट इज H2O. आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी जो है, कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. राइट सो जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट का ऑब्जॉर्प्शन होता है वो होता है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ से लेकर. यहां पर लाइट का, फोटोसिंथेसिस में लाइट का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है उसका रेंज कितना रहता है, उसका रेंज होता है 400 नैनोमीटर टू दी 700 नैनोमीटर. इसी को हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं. इसी वेवलेंथ रेंज को हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं. ठीक है, प्लांट्स जो है यहां तक की वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है. इसी को हम विबग्योर भी कहते हैं. विजिबल स्पेक्ट्रम जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, विबग्योर को रिप्रेजेंट करता है. यहां पर विबग्योर से क्या मतलब है, इट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर. राइट सो हम यहां पर बात करेंगे एंगेलमैन एक्सपेरिमेंट के बारे में. एंगेलमैन जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट एक फिलामेंटस एल्गी पर किया गया था. एंगेलमैन एक्सपेरिमेंट जो किया गया था फिलामेंटस एल्गी को लेकर किया गया था. सो हमने सबसे पहले फिलामेंटस एल्गी लिया. एंगेलमैन ने ये फिलामेंटस एल्गी लिया, वो कौन सा एल्गी था, इट इज क्लेडोफोरा. एंगेलमैन ने क्लेडोफोरा पर काम किया. एंगेलमैन ने किस पे काम किया, क्लेडोफोरा पर काम किया. देन इस एल्गी पर, यहां पर इस क्लेडोफोरा, इस क्लेडोफोरा एल्गी पर बैक्टीरियास की एक लेयर बिछाई गई थी. यहां पर एक कवरिंग की गई थी बैक्टीरिया की. ये बैक्टीरिया कौन से थे, ये बैक्टीरिया जो थे एरोबिक बैक्टीरिया थे. ये बैक्टीरिया कौन से थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द एरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि रेस्पिरेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, व्हाट इज एरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि रेस्पिरेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो इनके सर्वाइव के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए. राइट इनको ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो क्या कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे और सर्वाइव कर पाएंगे. राइट अब जब हम इस एल्गी की बात करते हैं तो ये कौन सा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. क्या होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजेनिक एंड द अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में. ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. इसी चीज को हमने अप्लाई किया इस एक्सपेरिमेंट में. यहां पर हमने इस फिलामेंटस एल्गी में हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया, अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट को इल्यूमिनेटेड करवाया. सो यहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट पर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के साथ इसको इल्यूमिनेटेड करवाया. यहां पर लाइट देने के बाद, यहां पर लाइट देने के बाद
ग्रीन एल्गी पर लाइट देने के बाद हमने देखा कि बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है, बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेड और ब्लू वाले सेगमेंट पे देखने को मिल रहा है। क्या यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, विब क्योर, राइट? ये वेवलेंथ है। ब्लू जो रीजन है वो किस रेंज में आता है, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले रेंज में आता है, जबकि रेड रीजन किस रेंज में आता है, इट इज अराउंड 700 नैनोमीटर रेंज में आता है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से देखने को मिला कि बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पर देखने को मिला, किस सेगमेंट में देखने को मिला, ब्लू रीजन एंड द रेड रीजन। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये सेगमेंट जो है एल्गी का, ये सेगमेंट जो है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होने की वजह से बैक्टीरिया जो है यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, बैक्टीरिया ग्रोथ यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सेम एज वेल एज इन अ रेड रीजन, रेड रीजन में भी हमें क्या देखने को मिला कि यहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन गैस भी सबसे ज्यादा इवॉल्व हुई है। सबसे ज्यादा गैस इवॉल्व होने की वजह से मोर ऑक्सीजन मोर फोटोसिंथेटिक रेट होने की वजह से यहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ भी क्या देखने को मिला है, सबसे ज्यादा देखने को मिला है। क्या इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि फोटोसिंथेटिक एंगलमैन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या प्रूव हुआ, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या प्रूव हुआ कि फोटोसिंथेसिस जो है कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा होता है, इट इज इन अ रेड रीजन एंड द ब्लू रीजन। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी आर मोर इन ब्लू एंड रेड लाइट। सो दिस इज अबाउट द एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ऑन द फोटोसिंथेसिस। सो अभी के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।